गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो अगला टॉपिक हमारा देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे बाकी थे, तो क्वेश्चन आंसर हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फुल मून। फुल मून किसको बोलते हैं कि जो जिस समय कि हमें एक कंप्लीट राउंडेड मून दिखता स्काई में, होगा फुल मून डे। वेन द मून इज कम्प्लीटली सीन इन राउंडेड फॉर्म कॉल्ड एज एन फुल मून। न्यू मून क्या हुआ, वेन द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई, जिस समय वो हमें स्काई में दिखता नहीं, होगा न्यू मून। ठीक है, अभी लूनार मंथ कौन सा होगा, लूनार मंथ किसको बोलते हैं कि जो पीरियड 18 टू 13 डेज, द पीरियड ऑफ 28 टू 30 डेज फ्रॉम वन न्यू मून डे टू द नेक्स्ट न्यू मून डे इज कॉल्ड एज द लूनार मंथ। द पीरियड ऑफ 28 टू 30 डेज फ्रॉम द न्यू मून डे टू द नेक्स्ट न्यू मून डे इज कॉल्ड एज लूनार मंथ। अभी तिथि यानी क्या होता कि लूनार मंथ में जो हर एक दिन आता उसको क्या बोलते थे, तिथि। द एवरी डे इन द लूनार मंथ इज कॉल्ड एज एन तिथि। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन बाकी था हमारा, अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेटर। अभी इक्वेटर किसको बोलते हैं, जो इमेजिनरीली जो सर्कल है, द इमेजिनरी जो सर्कल है बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल में जो एक इमेजिनरी सर्कल है उसको क्या बोलते हैं, द इक्वेटर। अभी उसके बारे में वो डायग्राम में उसकी स्टडी करने की है, वो डायग्राम में पहली पेज पे वो बताई हुई है ये चैप्टर के, उसको वो बार बार उसको डायग्राम ड्रॉ करके उसकी स्टडी करने की है तो बराबर वो समझ में आएगा। अभी सेकंड जो है, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ मेड बाय इक्वेटर। कौन से दो पार्ट है कि जो अर्थ दो पार्ट में उसको, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ मेड बाय इक्वेटर। इक्वेटर ने दो अर्थ के कौन से पार्ट बनाए हुए, द नॉर्थन हेमिस्फीयर है, साउथन हेमिस्फीयर आर द टू पार्ट्स ऑफ अर्थ मेड बाय द इक्वेटर। ऐसा ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर हमारे नोटबुक में इसको लिख के रखने का है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी कल हम हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।